अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था और मौसम के साथ साथ मूड भी अच्छा हो रहा है। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और मार्च में ये मौसम जो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस तरह का मौसम जनवरी और दिसंबर में होता है। जब हमारा स्कूल का टाइम था तो ऐसा मौसम मार्च के दिनों में ऐसा मौसम तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तब तो इतनी ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी, लेकिन इस बार मार्च में ये वाला मौसम अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा सर्दी वापस आ गई जाते जाते। खैर, कम टू दैट पॉइंट, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के कैनवस को कैसे प्राइम करते हैं। ये कैनवस मैंने लिया है साइज़ 24x24 का। ये काफ़ी बड़ा कैनवस था जिसे मैं प्राइम करने लगी थी और इसका भी ये पेपर मैं उतार ही रही हूँ। और इसका पेपर जो है ना, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कैलीग्राफी या कोई भी पेंटिंग बन जाती है तो उसके बाद हमें दोबारा इसके ऊपर ही लगाना पड़ता है कहीं और डिलीवर करने के लिए। तो ये एक चीज़ है, संभाल के रख लेनी चाहिए। खैर, ये कैनवस जो है ना ऑलरेडी प्राइम हुए मिलते हैं, लेकिन हम लोग अपनी तसल्ली के लिए इसे मज़ीद प्राइम करते हैं। प्राइम करने का पर्पज़ क्या होता है, जब मेकअप जो गर्ल्स करती हैं उन्हें पता होगा कि जब प्राइमर यूज़ करें तो बेस बहुत अच्छी बनती है। इसी तरह कैनवस पे भी जब इसे प्राइम किया जाए तो पेंटिंग बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि इसकी स्किन जो सरफेस है वो इवन हो जाती है। अगर प्राइम ना किया हो तो इसकी सरफेस जो आप हाथ लगा के चेक करें तो ये जो है ना थोड़ी सी रफ़ लगती है, लेकिन प्राइम करने से इसे ये है कि ये बहुत ज़्यादा इवन हो जाती है। अब ये मैंने गैसू लिया है, गैसू ये प्राइमर ही है और इसका नेम गैसू है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना थिक फॉर्म में होता है। तो पहले मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा थिक यूज़ कर लेती थी, लेकिन हम लोग इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, इसे बहुत ज़्यादा पतला बना सकते हैं। प्राइम करने का पर्पस ये होता है कि हमने जो है ना इसके सरफेस को, कैनवस के सरफेस को पेंट से बचाना है, ताकि डायरेक्ट पेंट से वो ख़राब ना हो जाए, और इससे इसकी बहुत ज़्यादा फाइन लुक आ जाती है, इसकी बेस बहुत अच्छी बनती है। और जब इसे प्राइम करते हैं ना, इसे सबसे पहले गीला कर लेते हैं थोड़ा सा स्प्रे बॉटल से या किसी भी चीज़ से। गीला करने से ये होता है कि इसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा टाइट हो जाता है। अगर गीला नहीं करेंगे, प्राइम नहीं करेंगे, तो फैब्रिक बहुत लूज़ होगा, पेंटिंग बहुत ज़्यादा लूज़ बनती है। जैसे हम इसे थोड़ा सा गीला करके इस पर प्राइमर यूँ स्प्रेड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो एक बहुत ज़्यादा फाइन लुक आती है। और यहाँ पर मैंने जो है ना सारा लिक्विड प्राइमर स्प्रेड कर लिया था, फेंक लिया था उसके ऊपर। उसके बाद ब्रश से हल्का हल्का जो है ना इसे स्प्रेड करना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने ये काम करना है। वो ज़्यादा उसे ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि वो फैब्रिक होता है वो लूज़ भी हो सकता है, तो इसे बिल्कुल सॉफ्टली जो है ना स्प्रेड करते जाना है आपने पूरे प्राइम कैनवस पर। एक और बात लास्ट में मैं आपसे शेयर करती जाऊँ कि आपकी मर्ज़ी है, आपने कैनवस को 1 कोट प्राइम करना है, 2 कोट करना है, 3 कोट करना है, वो डिपेंड करता है आपका जो गैसू है वो किस कंसिस्टेंसी का है। वो बहुत ज़्यादा थिक है तो आप उसे 1 कोट भी कर सकते हैं, मतलब एक बार कर सकते हैं, उससे आपके कैनवस की लुक बहुत फाइन आ जाएगी। अगर तो आपका गैसू जो है वो प्राइमर जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है, तो इसे 2 बार भी कोट कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। उसे 1 कोट करने के बाद ड्राई होने दें अच्छी तरह धूप में। जैसे वो ड्राई हो जाए, आपको लगे कि इसमें नीड है एक और कोट की, तो आप 2nd कोट कर दें और उसके बाद 3rd कोट अप्लाई करें। तो इस तरह जो है ना फाइनली प्राइमर जो है वो अप्लाई हो जाएगा पूरे कैनवस पे, और इसे ड्राई होने दें बहुत अच्छे से। ऐसा ना करें कि प्राइम किया है और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पेंटिंग स्टार्ट कर दिया, वरना वो बेस अच्छी नहीं बनेगी। जब आपको यकीन हो जाए कि फाइनली ये ड्राई हो गया है बिल्कुल अच्छे से, उसके बाद आप इस पर अपनी कैलीग्राफी पेंटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।